सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला है किसके बराबर होगा देखो सॉल्यूशन तो है डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं क्या करता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखूँ माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स ठीक है माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई अब यहाँ पे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप जो हो जाएगा मेरे पास वन तो अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन में वाई माइनस वन अपॉन साइन एक्स यानी कि माइनस ऑफ कॉसेक एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड करो वन अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड माइनस कॉट एक्स अपॉन में वाई टू में माइनस ऑफ कॉसेक एक्स तो यहाँ तक बात सिलेबी को क्लियर है अब वन अपॉन वाई को मैं यहाँ पे ना टी पुट कर देता हूँ वन अपॉन वाई को यहाँ पे मैं टी पुट कर देता हूँ माइनस ऑफ वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्सलू में डी टी अपॉन डी एक्स वन अपॉन वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ डी टी अपॉन डीएक्स माइनस वन अपॉन वाई की जगह पे तो टी पुट करो टी इन टू मेंट एक्स माइनस ऑफ कौ एक्स ठीक है ठीक है माइनस सभी में आ ही रहा है अब यहाँ पर मेरे पास क्या होने वाला है मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है ई की पावर में ऑट एक्स एक्स ये तो हो गया ई की पावर एल एन ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स आगे देखो टी इंटू साइन एक्स वन डी एक्स यानी कि टी साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा वन अपॉन वाई तो साइन एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी की जगह पे वन अपॉन वाई तो साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई ये हमारा आंसर आ गया फोर्टीन का ई ऑप्शन